श्री राग महल पहला। सो इत्थे पहला भी दस्या सी छेवां बारहवां ते पंद्रहवां शब्द विच महल पाठ ही आउणा, कई थां महला कीता होया, क्योंकि जो श्री करतारपुर साहब वाले सरूप दे विच इत्थे महल पाठ ही छपया होया, पर बाद विच कई थावां ते महला पाठ कीता। पुराने जिन्ने सरूपां ते पाठ करदे सी असीं उन्हां विच महल पाठ आया, इस करके ये ध्यान रखना श्री राग महल पहला। हुण किसी की देही जदों शरीर त्याग गई पहला तो वह उपदेश कीता महाराज ने, देख के सुनी देह डरावणी। हुण जदों उस देही नूं चिखा दे उपर रखिया, सड़ रही देही नूं देख के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह विरागमई फिर उपदेश दिंदे ने इस शब्द द्वारा श्री राग महल पहला च। तन जल बल माटी पया, मन माया मोह मनूर। कहिंदे भाई देखो उह चिखा दे उपर शरीर सड़ बल के मिट्टी रूप हो गया, और माया दे मोह वाला मन जिहड़ा सी उह लोहे दी मैल वांगू निकम्मा हो गया। लोहे दी मैल रेती नाल जदों रेत दे ने हौली हौली बूरा जिहा थले डिगदा वह बाहर सुट देंदे ने, उहदे ते मीह पै जांदा, मीह पैण नाल हौली हौली जंगाल लग जांदी है, वह सारा ही जंगालिया होया बूरा किसी काम दाना होया फिर मनूर बन गया, उहनूं मनूर कहा जांदा। महाराज कहिंदे इस तरह ही साडा माया दे मोह वाला मन मनूर बन गया, शरीर सड़ बड़ के मिट्टी रूप हो गया, सुआह बन गई इहदी। औगण फिर लागू पए कूर बजावै तूर। इहदे कीते हुए औगण भी जिहड़े उल्टा इहदे लागू तो भाव दुश्मन बन गए, बैरी बन गए इहदे। झूठ इहदे अगे जिहड़ा तूर वाजे वजाउंदा, तूर तो भाव वाजे, पर लोक च जमां दे सामने आखदे जीव सारी उम्र झूठ ही बोलदा रहा, इहने मैनू ही जित्तिया, मैं इहनू जित्तिया। कहिंदा झूठ कहिंदा मैं इहनू जित लिया। कूड़ ने जाके परलोक च गवाही दित्ती इहदी। औगण तां इहदे उल्ट हो गए, पहलां तां औगण कराउंदे रहे तो गलतियां, इही औगण फिर दुश्मन बन गए इहदे बाद च। पहलां तां अगले तो खाई जाणा बाद विच उहदी चुगली कर देणी। यही गल साडे औगुणा ने साडे नाल कीती। कहिंदे जदों परलोक नूं गए मर के जिन्ना झूठ बोलिया सी उह झूठ ही जा के परलोक विच इहदे उल्ट गवाही देण खड़ गया। कहिंदा इह सारी जिंदगी इह मैनूं वरतदा रहा, बोलदा रहा झूठ, उत्थे फिर इह सारियां चीज़ां महाराज कहिंदे उल्ट हो गईआं तेरियां, क्योंकि चित्रगुप्त ने लिखिया ही होया सी सारा कुछ। इस करके तेरे औगण ही बंदिया तेरे गल च जंजीरियां बन गई, नानक औगण जेतड़े तेते गली जंजीर। जे गुण होण तां कट्टियन से भाई से वीर। इस करके सतगुरु कहिंदे मता जाणो कि मैं औगण करदा, इह पहलां ही है नाल नाल, इह तां जाण के पुठे राह लाउण नूं मगर चिंबड़े होए ने। यह तो कल इन्हों का की आ खा पी के जिमें फिर तेरी निंदा कर देंगे। इन्हों तो बच के रहना, औगुणा तो झूठ तो यही खराब करे अंत न। बिन शब्द है परमाई है दुबदा डोबे पूर। जेड़े बंदे महाराज के शब्द तो बिना ने उपदेश तो बिना ने 84 के गेड़े च गेड़े पई जाते महाराज, उन्होंने भवाते रेंदे आ, कदे कुछ बनाता कदे कुछ बनाता। एक सज़ा मिलती इंसान नूं, हुण मौका है बस निकलण दा, लास्ट स्टेज है गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च बह के, बाद च नहीं फिर। हुण सुन सकदे ने, हुण कुछ भी कर लो, बाद विच जदों जूना वाला चक्कर चल पिया फिर किहड़ी अरदास होनी, कुछ नहीं होना बाद च। हुण जिउंदे जी अरदास करिए, अपने हत्थीं अपना आपे ही काज सवारी है। महाराज कहिंदे ने जिहड़ी दुबधा है ना, द्वैष है, दो चित्ती पुणा है,
इन्हें पूरा दे पूर नरकां च डोब दिते। बड़े दुनिया डोबी इन्हे, बहुत दुनिया डोबी। मन रे शब्द तरहो चित लाए, ताइयो सतगुरु कहिंदे प्यारिया जिहड़ा गुरु का उपदेश है ना, इह चित ला के संसार सागर चो तर जा। बंदा सियाणा उही जिहड़ा संसार सागर तो तर जावे। इत्थे डुब के की फायदा, तरन विच ही सियाणप है। जिन्हें गुरमुख नाम ना बूझिया, मर जन्म आवै जाए रहाओ। जिन्होंने गुरु द्वारा नाम नू नहीं जाणिया, गुरमुख तो भाव मुखी गुरां राही नाम नहीं बूझिया, वह मुड़ मुड़ के जन्म मरण में आई जाते ने, फिर आ जाते ने, फिर चले जाते ने। वह जम्मण मरण का गेड़ा पिया ही रहिंदा। उन्हां नू गुरु धारण का यही फायदा ना कि गुरु सिक्ख्या देंदे ने। लोग कहते असं गुरु साहब न मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब न मानते हैं, तो गुरसिख्या नहीं मानते, गुरु ग्रंथ साहब नहीं मानते कला। बस असल में गुरु की सिक्ख्या मन लेना ही गुरु का मनना होंदा। तन सूचा सो आखी है जिसमें साचा नाव, वो शरीर ही पवित्र कहना चाहिए जिस सच्चा नाम वसदा। वो मन पवित्र कहीदा जिद सच्चा नाम वसदा, क्योंकि जो मन के अंदर नाम ही नहीं वसिया फिर सारा शरीर ही जूठा है। इस करके महाराज कहते पवित्र होए सेजना जिन्नी हर ते आया। वह पवित्रता सहित सारा परिवार शरीर सब पवित्र हो जाता है। भै सच राती देहोरी जेहवा सच सुआओ, कहने वोदी देहोरी जिहड़ी बुद्धि है ना, सच्चे दे डर विच ही हमेशा ही तदाकार होई रहिंदी है। वाहिगुरु दे डर दे विच ही उहदी जिहड़ी देहोरी है शरीर भी रहिंदा, उहदा मन भी डर विच रहिंदा, उहदी बुद्धि भी डर विच रहिंदी है, परमात्मा दा भै मानदी है, अते उहदी जीव नूं भी सच्चे नाम दा ही स्वाद पैंदा है। सच्चे नाम तो बिना उहदी जीव कुछ बोलदी नहीं। जिहनूं नाम दी समझ लग गई वह नाम नूं ही ज्यादा जपदा, दूजियां तीजियां गल्लां नहीं करदा, क्योंकि समझ लग गई है। बंदे नूं एक चीज की बहुत समझ है, पैसे की बहुत समझ है। पैसा बैठदियां उठदियां सौंदियां जागदियां खांदियां पींदियां गल्लां करदियां पैसे बारे ही सोचता है। देखो मन दे अंदर की चलता, कित्थों कट्ठे करने ने, किहदे देने ने, किन्ने हो गए ने, किन्ने लैने ने। मूंह नाल जे पैसे की कोई गल करे, दस बंदे उधर नूं देखदे की आख्या, उत्थे बचदे डालर, हाँ भाई तो भी इहदे दुआले कट्ठे हो जाओ सारे, आपां नूं कोई चीज़ दस रहा इहदे नाल कट्ठा होण, क्योंकि वह चीज़ मन दे अंदर घर कर चुकी। जदों गल नाम दी आई वह कहिंदे तू ही कल्ला ही जप लै, सानू तां कोई पैसे दी विधि दस। महाराज कहिंदे नाम मन दे विच नहीं, नाम जबान ते नहीं, नाम शरीर विच नहीं, सिर्फ माया ही माया चारे पासे, मन है मुख माया माया। ये चीज़ खराब करूगी, कहिंदे बहुत ज़्यादा अंतले समय ते जाके ये भी धोखेबाज है। ज्यौदे जी ही है साड़ी, मरण तो बाद धोखा कर जाती। मरण वेले कहीए माया चलीए, कहती बस इत्थे तक ही लियाना सी, मेरा काम ही इन्ना ही, तेनों नरकां सिटना गां जा हुण कल्ला ही। काम क्रोध लोभ मोहंकार नूं कहीए क्यों बई चलीए हुण, वह कहते साडा काम तो इन्ना ही सी बस, हुण गां तू कल्ला ही जा। महाराज कहते आ गए हंस अकेला जाई, रिश्तेदारां नूं पुछो नाल जाना, कहने असी क्यों मरीए, तू ही जा, दोस्त नहीं जाते, मित्र नहीं जाते, पैसा नहीं जाता, काम क्रोध नहीं जाते, इंद्रियां नहीं जांदियां। जिन्हां लोकां करके गुरु तो बेमुख होए सी, ओ भाई दुनिया की कहूगी, किरपान पा ली हुण माला फड़ ली बाणी पढ़दा, जिन्हां लोकां करके कान करोड़ कीती सी, जिहड़े लोकां करके कहिंदे लोक कहणगे बाबा जिहा लगदा दाढ़ी कदली रखी है, उन्हां हुण सारयां नूं पुछो जाके कहिंदे
क्यों नाल जाना परलोक नूं कोई मदद करूगा। कहिंदे तुरदा लग तूं जा, बस साडा तां काम सी तैनू धर्म तों हीणा करके मारना, साडा काम सी तैनू पुठे राह लाउणा। इस करके संसार दे लोक सतगुरु कहिंदे जिन्हां दे तुसीं कान करोड़ मानदे हो ना, ये ना मन्नो जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी फोर नरारी। जे धर्म नूं कमाउणा, धर्म नूं कमाउण लई लोकां दी कान करोड़ छड के चलना पैंदा, क्योंकि संसार सारा पुठे पासे जा रहा। आपां सीधे राह चलण लई दुनिया ने फिर कई प्रकार दीआं गल्लां करनियां, तर्कां मारनियां, उधर नूं कोई जाके राजी नहीं। इस करके सतगुरु महाराज जी कहिंदे ने कि यह सारा कुछ धोखा हो रहा तेरे नाल, यह धोखे तो बच। सच्ची नदर निहाली है बहुड़ ना पावै ताओ। कहिंदे उस वल नदर जिहड़ा ना, नदर तो भाव इत्थे नदरी, परमात्मा ने सच्ची मेहर दी निगाह नाल जदों निहाली है तो भाव देखिया। इस करके वह बहुड़ तो भाव बहुड़ ना पावै ताओ, फिर मुड़ के संसार रूपी ताओ हुंदा दुख, दुख नूं जां जूनियां दे विच नहीं पाउंदा ताओ देना। जिवें लोहार लोहे नूं भट्ठी च रख के लाल करदा है, फिर कुटदा थौड़े नाल नूं, कहिंदा नहीं गल बनी नहीं, फिर एक ता दे लिया नूं, फिर एक ताओ दिंदा, फिर अग च रख दिंदा उहनूं, फिर लाल करदा, फिर कुटदा उहनूं। महाराज कहिंदे तैनू तां बार बार इदां ही जूनियां विच पा पा के कटापा होई जांदा, हर वारी फिर जूनी मिलदी फिर कटापा हुंदा, फिर जूनी मिलदी फिर कटापा हुंदा। उह कहिंदे निकलिया बाहर इस चक्कर चों, वाहिगुरू दी निगाह वाला काम कर। भी जिवें सतगुरु खुश हो के निगाह कर देण ते सानू कढ लैण इस चक्कर चों, महाराज नूं बेनती करिए। जब सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने पंज तत्त ने संसार पंजां तत्तां तों बणिया, सारिआं विच जोत रखी ते जोत ही किरिया करदी है। सच्चे ते पवना भया, पवना ते जल होए। सच्चे परमात्मा ते पवना तों भाव शब्द होया, एक पहला अंतरी भाव दे रहे ने। सच्चे ते पवना भया, सच्चे परमात्मा तों पवन हुंदा पवन शब्द, शब्द होया पहला। एक हंग बहु श्याम, ये बहुत ज्यादा रूप हो जावा, एक तो बहुते रूप हो जावा। सो इस करके एक हंग श्यामा बहु परजा जायते, पवन तो भाव शब्द तो फिर जल आदिक तत्त बन गए। पहला परमात्मा तो शब्द होया। पहल पुरिए पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना, यह सारा शब्द इसे ते उच्चारण किया होया। महाराज कहने ने फिर पवन ते जल होए, फिर शब्द तो जल आदिक पांच तत्त बने। पांच तत्त जदों बन गए, पंजां तत्तां दी सृष्टि बनाई है। जल ते तेरे भवन साजे आ, ये पानी ते धरती, आकाश हवा ते अग, इन्हां पंजां तो बनया। जल आदिक तत्तां तो तिन्नां भवनां नूं बनाया परमात्मा ने। सच्चे परमात्मा तो पहला सार जो अकाल पुरख वाहिगुरू तो एड्डा वड्डा आकाश दिखदा ना, सच्चे ते पवना भया आकाश बनया, आकाश तो पवन होई। हुण तत्तां दी व्याख्या करदे ने, पहला सी सिर्फ पवना तो भाव शब्द, शब्द तो सारा कुछ बनया। हुण शब्द जदों प्रकाश होया, परमात्मा विच्चों आवाज आई बहुत गंभीरता वाली, ओ ओंकार। बस ओंकार कहिंदे ही सृष्टि की रचना हो गई। एक छिन दे विच आकाश हो गया, आकाश तो पौन बन गई। देखो यह जिवें आ हुंदा बाहर नूं कढ़दे गड्डियां च रेडियो वाला एरियल जिहा, एक दे विचों एक किवें पाइप जिहा बाहर नूं आउंदा, ਇਹ ਇੱਕ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੱਤ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚ ਇੱਕ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੌਣ ਬਣੀ, ਪੌਣ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬਣੀ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ।
फिर कहते ने साचे ते पवना भया पवना ते जल होए। सच्चे परमात्मा तो पवना भया रजोगुण होया, क्योंकि पौन विच रजोगुण है। पवना रजोगुण तो फिर जल होए, सतोगुण होया। फिर जल तो लैना सतोगुण, सतोगुण तो फिर तमोगुण होया। इस तरीके नाल तिन्ना गुणा तो तिन्ने भवन बनाए ने। घट घट जोत समोए। फिर कहने सारिया घटा घटा दिलां दिलां दे विच परमात्मा की चेतन सत्ता समाई हुई है। सारिया दे विच उहदी निकी जी किणका मात्र जोत साडे शरीर दे अंदर है। वेख लो है माड़ी जी, उहो जे देखिए तां तुसीं हैरान रह जाओ, माड़ा जिहा किणका। उहदे नाल शरीर किवें उड्डिया फिरदा, किवें गल्लां मारदा बंदा पटाक पटाक। तो जदों किणका जां परमात्मा बाहर कढलैंदे ने, सुन्नी देह डरावनी जां जीओ विचों जाए, फिर उत्थे ही डिग पैंदा। निर्मल मैला ना थी ऐ शब्द रत्ते पत होए। कहिंदे गुरां दे उपदेश विच रंगे होण करके, तदाकार होण करके, ना एक मिक होण करके, जिहदा मन निर्मल होया उह राग द्वैश रूपी मैलां विच फेर मैला नहीं हुंदा। इस करके उहदी पत आबरू इज्जत हुंदी है, उहनूं मैल लगदी नहीं। मैल विच रह के भी मैला नहीं हुंदा, निर्लेपता हो जांदी। दुनिया विच रब दे प्यारे भी रहिंदे ने, पर उह कदे भी संसार दे मगर नहीं लगदे। निंदा करदे लोक, कहिंदे करी जाण आपां थोड़ी करनी है। जिवें अजय राजे ने महापुरखां नूं आया नूं तबेले कोल खड़ा सी, महापुरख कहिंदे पिखिया दे राजन, उत्थों चुक के घोड़ियां दी लिद पाती चिप्पी च, लै बाबा मखौल करता उहनूं। हुण जदों गया उहदे डेरे ते जंगल च, उत्थे लिद ही लिद पई, कहिंदे आ घोड़े भी नहीं हैगे, लिद किवें आ गई इत्थे इन्नी। महापुरख कहिंदे अजय राजे ने दान कीता सी, उह वध रिहा है, उत्थे डर गया। इह तां मैं मखौल कीता, महंगा पै गया। फिर चरनी पै गया, महापुरशां नूं तरस आ गया, एडा वड्डा राजा, चलो फिर भी भगती है पिछली। कहिंदे ऐं कर, तू तां कीता सी मखौल, चल अस तेरा भला करदे आं, तू दुनिया च निंदा करा हुण अपनी। निंदिया जो लोक जिहड़े करनगे उह सारी गंदगी हूंझ देणगे तेरी। राजे ने बहुत पुठे सिद्धे कम जे एवें जाण बुझ के करके निंदा कराई। हुण मूल रूप विच जिहड़ी लिद्दा दान कीती सी लिद्द रह गई उत्थे। फिर गया, कहिंदा जी हुण जिहड़ी माड़ी जी रह गई इहदा की करां। कहिंदे कोई ब्रह्म ज्ञानी महापुरश कोई निंदा करे तेरी फिर यह मुक सकती है। कहने वो फलाने थां पूर्ण पुरश ब्रह्म ज्ञानी है जो निंदा कर देन। उत्थे भेस बदल के चलिया गया राजा, पता ना लगे भी राजा। महापुरखां को जाके देखो जी, वह जय राजे ने ऐ कीता ऐ कीता। महापुरख कहिंदे तू जो मर्जी बन के आ जा, मैं निंदा नहीं करनी, तू जय राजा ही है। कहने महाराज फिर मैं हुण की करां। कहिंदे उह लिद्द नूं साड़ ला अग्ग दे विच चूरन बना के ना पेट वाला उहदे विच मिला के रोटी तों बाद इक चुटकी खा लिया कर, नहीं तां तैनूं परलोक विच जा के खाणी पैणी। तूं संतां नूं दान जो करती है, दान दित्ता होया तैनूं पता वधदा चाहे माड़ा चाहे चंगा। इस करके सोच के दान करना चंगा हुंदा। अकली साहिब सेवी है, अकली पाई है मान। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਲਾਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਟਾਲ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਮਨ ਸਾਚ ਸੰਤੋਖਿਆ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪੇ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਨਾ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ। ਪੰਚ ਭੂਤ ਸੱਚ ਪੈਰ ਅਤੇ ਜੋਤ ਸੱਚੀ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਪੰਜ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਤੱਤ,
पंज तत् जे सच्चे दे डर विच रते होए ने, पंच भूत सच पै रते, जिहड़े पंज तत् दसे ने पहलां आकाश पौण पाणी आदिक, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੀ ਜੋਤ ਭਾਵ ਗਿਆਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜ ਭੂਤ ਪੰਜੇ ਭੂਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਨੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਉਹਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫਿਰ ਜੋਤ ਜਿਹਦੇ ਡਰ 'ਚ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜ ਬਸ ਕਰ ਲਏ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਵੀਸਰੇ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਪਤ ਤਾਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਪਤ ਤਾਹੇ, ਸੇ ਭਾਦੋਂ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਪਤ ਤਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਤ ਤਾਹੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਝੁਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।